A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum to students. मैं आज आपको फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का एक लेक्चर दूंगा, फर्स्ट चैप्टर का, जो है बायो एलिमेंट्स. हम देखेंगे व्हाट आर बायो एलिमेंट्स. बायो एलिमेंट्स, बायो का मतलब लिविंग थिंग्स, बायो का मतलब लिविंग थिंग्स, एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट्स. ओके, तो हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बेसिकली कुछ एलिमेंट से मिलकर बने. जिस तरह से कोई भी कायनात का मैटर है, जितने भी ये कायनात है बेसिकली ये सारा का सारा मैटर है. और मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे मैटर कहते हैं. इस तरह से हम भी मैटर हुए. और मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, कुछ ना कुछ एलिमेंट से. ठीक है, ठीक इसी तरह से हम भी एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं. और वैसे तो 92 एलिमेंट्स हैं नेचुरली जो पाए जाते हैं. उस उनमें से 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलके बने हुए हैं. और उन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन एलिमेंट्स से मिलके बने होंगे उन्हें बायो एलिमेंट्स कहेंगे. आपके सामने मैं एक मिसाल देता हूँ. दिस इज आवर सेल. ये एनिमल का सेल है. एनिमल की सेल मेम्ब्रेन की ही खाली अगर बात करूं तो ये बेसिकली प्रोटीन से भी मिलकर बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलकर बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलकर बनी हुई है और लिपिड से भी मिलकर बनी हुई है. तो अगर मैं खाली कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला लिखूं तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की मिसाल है, तो उसमें आ जाएगा C6H12O6. इसका मतलब है खाली सेल मेम्ब्रेन में अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट भी एलिमेंट से तो मिलकर बना हुआ है. आप देख सकते हैं इसमें तीन एलिमेंट आ गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये तो आपके सामने तीन की मैंने मिसाल दे दी. बाकी भी कुछ एलिमेंट्स है अदर देन दिस. टोटल वैसे 16 है. अभी मैं मेन एलिमेंट्स की बात करूं वो है 6, जिनसे मिलके 99% हमारी बॉडी बनी हुई है. जो कि 99% वाले 6 बायो एलिमेंट्स हैं, 6 बायो एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं. इसको बहुत ही आसान फार्मूला याद रखने का, कभी भी नहीं आपको भूलेगा जिंदगी में. देखना 6 बायो एलिमेंट्स, COCA, कोका, PHN, हून. इसका बड़ा आसान सा फार्मूला है, हम किसी को कहते हैं कोका कोला पी लो. ठीक है, तो कोका COCA, कोका पी हुन, PHN हुन. ठीक है, तो C से हो गया कार्बन, O से ऑक्सीजन, CA से कैल्शियम, P से फास्फोरस, H से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन. तो इसकी वैल्यूज याद कैसे रखेंगे, वो भी बहुत आसान तरीका. आपने क्या करना है, 18, 65, ये जैसे फोन नंबर याद करते हैं वैसे याद, 18, 65, 21, ये 21 हो गया 103, 18%, 65%, 2%, 1%, 10%, 3%. तो इससे पता चला कोका पी हून से हम 6 एलिमेंट जो कि 99 मेन एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने याद कर लिया. और उसका फार्मूला क्या है, टेलीफोन नंबर याद कर ले इसका, 18, 65, 21, 103. बाकी जो एलिमेंट्स है वो बचते हैं 10. छह ऐसे थे जो कि 99% पाए जाते हैं, बाकी बचते हैं पीछे 10 बायो एलिमेंट्स जो कि बड़ी ही माइन्यूट क्वांटिटी में पाए जाते हैं. वो देखते हैं कितने कितने परसेंट है, वो कौन से. तो उनका भी बड़ा ही आसान सा फार्मूला मैंने बना रखा है, कभी भी आपका नंबर नहीं कटेंगे. ये फार्मूला सारी जिंदगी हर चीज भूल जाएगी, ये फार्मूला नहीं भूलेगा आपको. ओके, तो के का मतलब पोटेशियम, एस का मतलब सल्फर, क्लोराइड, एन ए का मतलब सोडियम, एन एम एन का मतलब मैंगानीज, आई का मतलब आयोडीन, एफ ई का मतलब आयरन, सी यू का मतलब कॉपर, एम जी का मतलब मैग्नीशियम, जेड एन का मतलब जिंक. तो इसका मैं फार्मूला बता दूं कैसे याद रखना है. मैं कहता हूं कराची, कराची स्कूल क्लासिक नेम मन आए फिर क्यों मैगजीन. तो कैसे याद रखना है, कराची स्कूल क्लासिक नेम मन आए क्यों आए फिर क्यों मैगजीन. तो आपको ये कितने 16 बायो एलिमेंट्स आपके फिंगर टिप पे हो गए. 6 कैसे आपने याद रखने, बेसिकली आपने देखना है
कोका पी हूं बाकी दस कराची स्कूल क्लासिक ने माना है कि वो फिर मैगजैन टोटल 16 बायो एलिमेंट्स हो गए तैयार। अब इनकी परसेंटेज देख लेते हैं 0.35% 0.25% 0.15%। अब देखे पहले 35 फिर 25 हुआ एक सिला ऊपर से नीचे आ रही है वाली 35 0.25 0.15 0.15 फिर 0.05 ट्रेस बीच में फिर आ जाएगा 0.004% ट्रेस। दिस इज ऑल अबाउट ऑल द बायो एलिमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।